भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी व मीडिया पैनलिस्ट अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी कमी आई है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता मोदी की गारंटी और अनुराग की सेवा पर मोहर लगाने का पूरा पूरा मन बना चुकी है और हमीरपुर की लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जो बलि का बकरा सतपाल रायजादा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको बनाया है, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता ही चुनाव लड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने ढूंढ के प्रत्याशी सतपाल रायजादा जी को बनाया है, जो कहीं पे भी अनुराग जी की सेवा और मोदी की गारंटी के आगे टिकटे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश के अंदर न केवल भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, उनका विरोध किया, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने का काम कांग्रेस से किया था। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने केवल यही नहीं किया, अयोध्या की राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य राम मंदिर निर्माण करने का भी कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस ही वही पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्षों क्या दशकों की दुखती रग थी धारा 370, उसका हटाने तक का विरोध कांग्रेस ने किया था। इस देश में ही ऐसे कुछ नेता थे जो कहते थे कि धारा 370 अगर हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व था, उनकी सोच थी, उनकी विजन थी, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि धारा 370 तो हटी देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का माहौल मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में बना है ऐसा पहले कभी नहीं था। न भारतवर्ष आंतरिक दृष्टि से भी तो सुरक्षित हुआ ही हुआ है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं, देश का सैनिक आज गर्व से देश का सैनिक गर्व के साथ सीमाओं के ऊपर दुश्मनों से लोहा लेता है और दुश्मन 10 बार सोचते हैं कि वो भारत से टकराएं कि नहीं टकराएं, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया का वह देश है जो दुश्मनों को उनके घर के अंदर घुसकर मारता है। आज ये सब अगर भारतवर्ष को विश्व के अंदर ही अगर भारतवर्ष का स्वरूप बना है तो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बना है और देश की जनता के साथ साथ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, अनुराग जी को पांचवी बार सांसद बना के लोकसभा में भेजेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।